गिर जाओ थोड़ी देर वहां से थोड़ा। सतनाम सत साहेब जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम पहुंचे हैं गांव बैबलपुर उत्तराखंड में, और यहां पर सतगुरु स्वामी समंदास जी का एक नव निर्माण आश्रम है, जिसके प्रबंधक महात्मा मांगेराम दास जी हैं। आज उनसे जानते हैं कि कभी से इस आश्रम की स्थापना हुई और कैसे कैसे आश्रम के विषय में गुरु जी बताएंगे। गुरु जी, आपका जय जान टीवी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुरु जी, इस आश्रम का निर्माण कब हुआ और कैसे कैसे हुआ जी? ये 2022 में 16 मई को इसका उद्घाटन किया गया था जी, बैबलपुर आश्रम जी। तो गुरु जी, कितनी जमीन है इस आश्रम में? ये जमीन 2.5 बीघा जी। जी तो गुरु जी, यहाँ पर कितनी सत्संगत आती है और कौन कौन से कार्यक्रम सत्संग के यहाँ पर आयोजित होते हैं? यहाँ पर जी संगत काफ़ी आती है, काफ़ी महात्मा गण आते हैं और बड़ी दूर दराज से हरियाणा, पंजाब, बिजनौर से सभी लोग आते हैं और यहाँ शादी भी करते हैं जी। 7-8 शादी कर भी दिया जी। तो गुरु जी, यहाँ पर जैसे अभी सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, वो किस उपलक्ष्य में है? ये आश्रम की तरफ से ये होता है कि संत शिरोमणि रविदास मिशन रजिस्टर्ड अखिल भारतीय और सतगुरु स्वामी समंदास महाराज जी का आदेश अनुसार कि हम लोग 1 तारीख का हर महीने की यहाँ पर सत्संग व भंडारे का आयोजन करते हैं जी। और अभी जैसे निर्गुण साहेब जी 31 दिन की कड़ी तपस्या में हो? हाँ, निर्गुण साहेब जो है महात्मा जी, इन्होंने 31 दिन की खड़ी तपस्या दी है। उसमें ये कल 1 नवंबर को उनकी संपूर्ण तपस्या हुई है जी। उसके उपलक्ष में 1 नवंबर को सत्संग ओम भंडारा भी कराया गया है और विधायक उमेश सिंह कुमार को भी बुलाया गया है जी। जी, तो विधायक जी ने कुछ आश्रम के लिए सहयोग राशि देने का आश्वासन दिया? हाँ, ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने जी। अभी क्लियर नहीं किया जी। तो देखिए गुरु की प्यारी सात संगत जी, आज पूरे भारत में सतगुरु स्वामी समंदास जी का जो प्रचार प्रसार है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज फैल रहा है शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार। और देखिए आज हमारे आश्रम पूरे देश में देखने को मिलते हैं और जो समाज के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो गुरु जी, और आगे की क्या क्या योजनाएं हैं आश्रम की? शिक्षाएं बच्चों के लिए शिक्षा का है, वृद्धा बूढ़ों की सेवा के लिए, लड़कियां जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी के लिए, और हर माह की सत्संग और भंडारे का आयोजन करते रहते हैं महाराज जी के। जैसे रक्तदान वगैरह जी, रक्तदान है वो आपका नंबर है। तो ये हमारे साथ थे यहाँ आश्रम के प्रबंधक महात्मा श्री मांगेराम दास जी, और आइए जानते हैं जिन्होंने 31 दिन की खड़ी तपस्या की है निर्गुण साहेब जी से, उनसे भी जानते हैं। गुरु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, आपने जो खड़ी तपस्या की है तो उसमें आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा जी? देखो, मैंने बहुत महसूस किया, जगत कल्याण के लिए ये तपस्या की गई जी, और हमारा जो मेन मकसद है शिक्षा के प्रति है जी। जी, क्योंकि हम शिक्षा ही सबसे बड़ा उत्थान है, और जो हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जैसे रक्तदान है जी, और आंखों के ऑपरेशन के वगैरह है, जो भी मतलब समस्या है समाज की जी, उसको दूर करना चाहते हैं जी। हमेशा ही जगत कल्याण के लिए ये आश्रम का नव निर्माण हुआ है जी। उस समाज को बुराइयों से छुटकारा, जैसे नशा मुक्ति है, ऐसी चीजों के पर हम बढ़ चढ़ कर कदम उठाएंगे जी। और अपने प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और देखिए सात संगत जी, यहाँ पर मातृशक्ति भी काफी संख्या में पहुंची है। आप कहाँ से हैं माता जी?
हरियाणा से। देखिए हरियाणा से भी सात संगत यहाँ पर पहुँची हैं। तो आप कब आए थे यहाँ पर? हम आज 4 दिन हो गए। जी जी, तो आपको कैसा लगा जो आश्रम? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी है संगत। नरगुण साहब बहुत अच्छे है, हमारा भैया है। जी जी, मांगाराम जी हमारा भैया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्रशंसा है। शुरू से बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शन है इनकी। जी, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। निर्गुण साहब बचपन से इसी लाइन में है बिल्कुल। जो हमारे माता पिता थे वह भी इसी लाइन में थे। लाडवे से नामदान लिया था हमारा। जी, हमको है लिया नामदान कांशी जी थे। जी, आचार्य भूषणदास जी, जी, जी उससे नाम लिया है। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्शन है सब चीज के यहाँ। और इधर भैया भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम अकबरपाल से हूँ जी। जी जी, जैसा कि ग्राम पैबुरु हंसावली में हमारे गुरुजी श्री मंगेराम दास जी यहाँ के प्रबंधक है, और हर महीने की हर एक तारीख को यहाँ भंडारा और सत्संग का आयोजन किया जाता है, और भारी जनसंख्या में यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालु हमारे आते हैं, और यहाँ से कीर्तन रविदास जी की जो परंपराएं हमको सिखलाई जाती है, और समनदास जी की तो हम उनसे सीख लेते हैं कि हमारे गुरुजन हमारे पूर्वज हमारे लिए इतना कुछ कर गए कि हमारे गुरुजी हमको ये सिखला रहे हैं कि आप भाई अच्छा काम करो, सत्संग में आओ, अच्छी बात सीखो, अपना परिवार चलाओ और अपने शिक्षा की ओर ध्यान दो। सतनाम सच्चाई। सतनाम सच्चाई। तो देखिए इधर और भी महात्मा जी हैं। सतनाम गुरु जी, आप कहाँ से हैं? हम जिला पंचकुला हरियाणा से हैं। जी जी, देखिए पंचकुला हरियाणा से भी बहुत दूर दूर से संगत आई है आश्रम पर। तो आप गुरु जी सत्संग में आए, आपको कैसा लगा? बढ़िया आनंद आया। मांगेराम जो इसको माले देख भगवान में प्यार हो ही जाता है जी। तो हम इसके चर्चा सुन के यहाँ देखने के लिए आए। भजनों देखते हैं कैसा करते हैं। श्री मामनाथ है या आश्रम रविदास का भगवान वेख एक ही है। हाँ, भगवान वेख एक ही है। तो बहुत बढ़िया लग गया। बहुत जनता गाँव की भी यहाँ जो गाँव है तो ये भी बहुत बढ़ बढ़ कर आते हैं, बहुत सेवा करते हैं मांगेराम की भी सतान की भी। जय सतनाम जी, आप बैबलपुर से? जी जी, तो आपको कैसा लगा आश्रम? अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आप? सतनाम जी बैबलपुर काली जी, बैबलपुर से जी। तो आप सेवा करते हैं आश्रम पे? बहुत अच्छा सेवा करने का मौका लगा। सतनाम जी आप? सतनाम जी, जिला बिजनौर से आए हुए जी। जी जी, और मांगे गुरु जी के आश्रम पे हम 6 महीने साल भर में आते रहते हैं जी। जी जी, और हमें हर दुख से वहाँ से छुटकारा मिला जी। जी जी, सतनाम जी। सतनाम जी, तो देखिए गुरु की प्यारी सत्संगत जी, बहुत दूर दूर से यहाँ पर सत्संगत आती है, और आपका भी जब भी समय लगे आप भी इस आश्रम पर आए और गुरु जी के सत्संग का आनंद ले और लाभ ले। और इधर हमारे गुरु महात्मा जी, इनसे भी हम जान चाहिए आप। जी जी, तो गुरु माता जी ने, तो गुरु के प्यारे सत्संग जी आइए, एक नारा बुलंद करते हैं। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। तो गुरु की प्यारी सात संगत जी, ये था बैबलपुर का सतगुरु स्वामी समनदास जी आश्रम, और यहाँ पर हर महीने की 1 तारीख का सत्संग फरमाया जाता है। तो आप भी गुरु की प्यारी सात संगत जी, जब भी आपका समय लगे तो आप भी यहाँ पर आए और आश्रम के दर्शन दीदार करें और अपने जीवन को धन्य करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत्साई जी।